गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सरीन, योर थियोलॉजी टीचर। टुडे इज योर थियोलॉजी क्लास। नाउ ओपन योर चैप्टर नंबर 3 इन थियोलॉजी बुक। स्टूडेंट्स, आज हम थियोलॉजी में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कुरैश ख़ानदान में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन अरब मुल्क के मक्का शहर में पैदा हुए थे। मक्का शहर हमारे मुल्क के पश्चिम में है। बच्चों, प्यारे नबी का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप कहाँ पैदा हुए थे? आप कुरैश ख़ानदान में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन अरब मुल्क के कौन से शहर में? मक्का शहर में पैदा हुए थे। और मक्का शहर जो है वो हमारे मुल्क के कहाँ हैं? पश्चिम में हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, वालदा का नाम हज़रत आमना, दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और चचा का नाम हज़रत अबू तालिब था। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला था। और वालदा का नाम हज़रत आमना था, दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था और चचा का नाम हज़रत अबू तालिब था। प्यारे नबी का चेहरा मुबारक बहुत खूबसूरत और रोशन था। रंग सुर्ख और सफ़ेद, बाल खूबसूरत, पेशानी चौड़ी, आंखें बड़ी बड़ी जिनमें सुर्ख डोड़े पड़े हुए थे, दांत ऐसे साफ और चमकते हुए जैसे मोती, सीना कुशादा, कद दरमियाना, ना लंबा ना छोटा, सेहत बहुत अच्छी, गोया बहुत खूबसूरत थे। बच्चों, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बहुत मुबारक, खूबसूरत और रोशन था। रंग उनका सुर्ख और सफ़ेद था। बाल कैसे थे? बहुत खूबसूरत थे। पेशानी यानी माथा जो था वो बहुत ज़्यादा चौड़ा था और उस पर जो आँख बड़ी बड़ी आँखें थीं जिनमें सुर्ख डोड़े पड़े हुए थे, दांत ऐसे साफ थे, ऐसे चमकते थे मानो जैसे कि मोती हों, सीना कुशादा यानी सीना चौड़ा था, कद दरमियाना, ना लंबा था और ना ही छोटा था, सेहत बहुत अच्छी थी, गोया वो बहुत खूबसूरत थे। प्यारे नबी 40 साल की उम्र में नबी कहलाए और आपने लोगों को इस्लाम की तालीम देनी शुरू कर दी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उम्र में? 40 साल की उम्र में नबी कहलाए और आपने लोगों को क्या किस चीज़ की तालीम देनी शुरू की? इस्लाम की तालीम देनी शुरू कर दी। आपको बहुत सताया गया, आप पर कोड़ा डाला गया, बुरा भला कहा गया, प्यारे नबी को कत्ल करने की साजिश की गई। तब अल्लाह ताला के हुक्म से आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए। देखिए, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया, उन पर कोड़ा डाला गया, उनको बहुत बुरा उल्टी सीधी बातें कही गईं, यहाँ तक कि प्यारे नबी को कत्ल करने की साजिश भी की गई। तो तब अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला के हुक्म से आप मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना तशरीफ़ ले गए। मक्के से मदीने चले जाने को हिजरत कहते हैं। हिजरत किसे कहते हैं? जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उसको हिजरत कहते हैं। तो प्यारे नबी कहाँ से? मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हिजरत कहते हैं। बच्चों, अब इस चैप्टर में इससे रिलेटेड सवाल जवाब दिए हुए हैं, आइए हम सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, प्यारे नबी का पूरा नाम क्या है? जवाब, आपका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर 2, प्यारे नबी के वालदैन का क्या नाम है? जवाब, प्यारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। सवाल नंबर 3, प्यारे नबी के दादा का नाम बताओ। जवाब, दादा का क्या नाम था? प्यारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। सवाल नंबर 4, प्यारे नबी के चचा का नाम बताओ। जवाब, प्यारे नबी के चचा का नाम हज़रत अबू तालिब था। चचा का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब था। सवाल नंबर 5, प्यारे नबी किस ख़ानदान में पैदा हुए थे? जवाब, प्यारे नबी कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 6, प्यारे नबी किस उम्र में नबी कहलाए? जवाब, प्यारे नबी 40 साल की उम्र में नबी कहलाए। सवाल नंबर 7, प्यारे नबी ने किस उम्र में वफ़ात पाई? जवाब, प्यारे नबी ने 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आई होप स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। देन आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है, उसके बाद इनके सवाल जवाब को लर्न करना है। ओके?